भजन बड़ा सुनने का है। योगी मच्छंद्रनाथ जी महाराज सरस्वती ब्राह्मणी का कोई औलाद नहीं है। सरस्वती ब्राह्मणी बिचारी पाया में पड़गी, बोले बाबा एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे। बोले अरे माई रोवे ना, दुख भोग कर सुख मिलया कर, रोवे ना। बोले ना बाबा, गणेश साल बीत लिए बाबा, इस शादी ने इब तो यहां दुनिया मजाक उड़ान लगी बाबा। इब जीऊ जे किसके सारे जीऊ। प्रेमियो, योगी मच्छंद्रनाथ जी महाराज ने अपनी झोली में बभूति काढ़ी दे दी। लरी माई बाबिया का दर्द बभूति हो समाई, इसने खाइए। ओम नाम की माला का जाप करिए। अरमाई जे भगवान ने चाहे न, आज ते 12 साल के बाद में आऊंगा और तेरे बेटे के हाथे भिक्षा लेके जाऊंगा। इतनी बात कह के योगी मच्छंद्रनाथ जी महाराज चले जाते हैं। इव लुगाइया के खास कमी ला लो, आदत ला लो, माड़ी आदत ला दो, किमे लगा लो। इनको कदे जेली बात नहीं बचा करती, कदे भी नहीं। अर जाए तो जूत बात जाकर में लुगाइया बिना गति भी नहीं है, क्योंकि नारी सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन जब नारी आसन पाटी लेकर पड़े ना, अच्छे अच्छे के फिल्टर सॉर्ट कर देती है। ऐसा घर ने भी थाली में ला देती है जिसकी घर जिसकी कोई सौगंध भी नहीं खा सकता। ये नारी है प्रेमियों, क्योंकि जब काल खामाई ने क्रोध आया था ना, बोला ना पैरा में लेट करने पेंट छुटाना पड़ता। बोले माई इब तो शांत हो जा। 12 साल बीत गए और ब्राह्मणी ने बभूति खाई नहीं। अपनी पड़ोसन तो जाकर न बोलिए बाबा आया था बभूति दे गया, और न बोलिया खा लिए तेरे बेटा हो जाएगा। पड़ोसन ने बकाया दी ना खाइए, बोले मोटा किसी का नहीं होता, के बरे के मिले के दे गया, बोले के ब्रतर में भूत बढ़ जाए। बोले फिर के करूं, बोले फेंक दे कुरड़ी के ढेर में, कुरड़ी में फेंक दी। धीरे 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 समय गुजरता है, 12 साल बीत गए। योगी मच्छंद्रनाथ दोबारा आते हैं। अलक निरंजन माई की बेटी भिक्षा लिया, ब्राह्मणी भिक्षा लेके आती है। बाबा ने झोलिए टाली, बाबा एडी ठाटा देख कर, छोरा दिखे छोरा दिखे छोरा ओजे दिखे छोरा सह नहीं दिखेगा करते है। बोले अरी माई आरी तेरा लाल कड़े है। अरे मैं ओए बाबा सू जो आज तक 12 साल पहले आया था। बोले बाबा क्यों जल्दी न दूना जलावे, तने भिक्षा लेनी है। अरे लेके चला जा। नारी माई न्यू बता, तने बभूति खाई के नहीं खाई। एक वजन के माध्यम से क्या कहती है, कैसे हाय राम डोबगी मन सीख पराई, ओ बाबा जी तेरी बबूति कोई ना खाई। पूरा साज लेके चलिए, आइएगा एक बार दोनों हाथ उठाइए प्रेमियों, दोनों हाथ उठा के सारे के सारे, और जरा ताड़ी बजा के कहेंगे क्या, बाबा जी तेरी बबूति को न्या खाई, बाबा जी तेरी बबूति को न्या खाई, ओ बाबा जी तेरी बबूति को न्या खाई, बाबा जी तेरी बबूति को न्या खाई। आए राम डोबगी मन ने सीख पराई, बाबा जी तेरी ओ पापा जी तेरी बबूति को न्या खाई। ताड़ी बजा के
अपनी किस्मत अपने हाथा फोड़ी, बहम समझ कैसी दी रागी मोड़ी। ओ अपनी किस्मत अपने हाथा फोड़ी, बहम समझ कैसी दी रागी मोड़ी। लोग नुगा देवल राम ने मेरी किस्मत फोड़ दी। अरे भगतो, राम किस्मत नहीं फोड़दा। जे भगवान किस्मत फोड़न लग गया फिर बनाओगा कौन? आपा अपनी किस्मत न आप फोड़ा। माड़े कर्म करके, किसे की चुगली करके, किसे बाण बेटी का नहीं बुरी दृष्टि डाल के, किसे का चोरी करके, ये माड़े कर्म अपने कर्म फोड़ते प्रेमियों, भगवान नहीं। नवली अपनी किस्मत अपने हाथा फोड़ी, बैम समझ के सीधी रागी मोड़ी। ओ अपनी किस्मत अपने हाथा फोड़ी, बैम समझ के सीधी रागी मोड़ी। के सगी गलत मेरा नगी समझ में आई, बाबा जी तेरी बबूती को जगाई। ओ बाबा जी तेरी बबूती को जगाई। ओ बाबा को कोई ना मेरे भाग में, सारी जिंदगी जलूंगी इसे आग में। ओ सुख औलाद का को ना मेरे भाग में, सारी जिंदगी जलूंगी इसे आग में। ओ सुख औलाद का को ना मेरे भाग में, सारी जिंदगी जलूंगी इसे आग में। ओ सुख औलाद का को ना मेरे भाग में, सारी जिंदगी जलूंगी इसे आग में। मैं ना समझियो मन चढ़ती बेल कटाई, बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई। बाबा जी तेरी बबूती को ना खाई। शायद यू मंजूर से सिंह पर ये बता तेरा के कसूर से, कसूर से ऊपर आले न। शायद यू मंजूर से सिंह पर ये बता तेरा के कसूर से, ऊपर आले न। शायद यू मंजूर से सिंह पर ये बता तेरा के कसूर से। बाका की कोन्या मिटती है लेख लिखाई, बाबा जी